दोस्तों दुबई के बारे में आप जितना भी सुनो उतना ही कम है। लग्जरी गाड़ियां, महंगे शौक और दुनिया से अलग लाइफस्टाइल। जैसे पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, होटल में घुसते ही आपको 24 कैरेट गोल्ड का आईपैड दिया जाना। अरे मैं यहाँ बुर्ज खलीफा की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो वो भी अपने आप में एक अजूबा है, पर ये दुबई है, यहाँ पर अजूबों की कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही एक और अजूबा है बुर्ज अल अरब। आपने शायद इसका नाम तो सुना होगा, पर आज मैं आपको इसके बारे में वो बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये भी बुर्ज खलीफा से बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने फैक्ट स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। होटल निर्माण। अगर इस होटल के निर्माण की बात करें तो टापू पर काम 1994 में शुरू कर दिया गया था। लगभग 2000 कर्मचारी रोजाना इस होटल को बनाने के काम में लगे रहते थे। टापू को होटल के लिए तैयार करने में कर्मचारियों को 3 साल लग गए थे। बाद के 2 सालों में होटल को तैयार कर दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 1999 में इस होटल का उद्घाटन भी हो गया था। पूरी बिल्डिंग का निर्माण लगभग 70,000 क्यूबिक मीटर में हुआ है। इसमें 9,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते बुर्ज अल अरब का नाम आज दुनिया के कुछ सबसे शानदार होटल्स में आता है। बुर्ज अल अरब की देखरेख का काम जुमेरा समूह नाम की एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। समुद्र तल। बुर्ज अल अरब समुद्री तल से जुमेरा के तट से 280 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक निजी घुमावदार पुल द्वारा मेन आइलैंड से जुड़ा हुआ है। मेहमान इस पुल के रास्ते यहाँ पहुँचते हैं जो कि 340 मीटर लंबा है। होटल का नाम। दोस्तों बुर्ज अल अरब होटल को दुबई की शान माना जाता है और ये दुनिया का 3रा सबसे ऊंचा होटल भी है। अगर बुर्ज अल अरब होटल के नाम की बात करें तो बुर्ज अल अरब दरअसल अरबी भाषा का नाम है। असल में अरबी भाषा में बुर्ज का मतलब टावर होता है और बुर्ज अल अरब का मतलब होता है अरब का टावर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बुर्ज अल अरब से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज अल अरब दुनिया की इकलौती गगनचुंबी इमारत है जिसे आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है। अगर आपको पहले से ये बात पता थी तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। होटल की ऊंचाई। होटल की ऊंचाई लगभग 321 मीटर है और 148 फुट ये समुद्र के अंदर है जो न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग के मुख्य अवलोकन डेक से भी ज्यादा है। हालांकि बुर्ज अल अरब होटल की छत सिर्फ 200 मीटर से ही थोड़ी सी ज्यादा है। ऊपर सभी फ्रेम संरचना और शिखर है। 2018 तक बुर्ज अल अरब दुबई में 18वीं सबसे ऊंची इमारत थी। बुर्ज अल अरब कभी दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था लेकिन अब ये दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा होटल है। टॉम राइट ने तैयार किया था डिजाइन। अगर बुर्ज अल अरब की डिजाइन की बात करें तो इस पूरी बिल्डिंग का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट टॉम राइट ने तैयार किया था। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस होटल को साल 1994 में बनाना शुरू किया था और 1999 में इसका काम पूरा हुआ था। असल में इसके मालिक इसे दुबई की पहचान के रूप में दिखाना चाहते थे, इसलिए टॉम से कहा गया था कि वो इस बिल्डिंग को सबसे अलग बनाए। उन्हें इस होटल में दुनिया भर की चीजें चाहिए थी लेकिन इसका मूल स्वरूप वो अरब शैली में चाहते थे। टॉम ने इसे ट्रेडिशनल और फ्यूचर अरब की तरह बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी और नतीजा ये हुआ कि वो इस काम में सफल भी रहे। उनके बनाए गए नक्शे के आधार पर होटल के 202 कमरों को ब्रिटेन के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स ने तैयार किया था। साथ ही इस होटल में लोगों की सुविधा के लिए 18 लिफ्ट हर समय चलती रहती हैं। रॉयल सूट का किराया। चलिए अब किराए की बात कर लेते हैं। इस होटल्स में रॉयल सूट्स दुनिया के सबसे महंगे होटल सूट्स में से एक है। अगर यूएस डॉलर में बात करें तो यहाँ का किराया लगभग $24,000 है जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 17.5 लाख बनता है। यानी कि आपको अगर यहाँ पे एक रात इस रॉयल सूट में गुजारनी है तो आपको इतनी मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी। बाकी सूट्स की बात करें तो उनकी कीमत भी लगभग $7,000 से शुरू होती है, यानी लगभग 5 लाख रुपए। बुर्ज अल अरब का एट्रियम। होटल में 180 मीटर ऊंचा एट्रियम है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एट्रियम है। इस एट्रियम का निर्माण टेफ्लॉन कोटेड फाइबर ग्लास के कपड़े से हुआ है जो इमारत को 2 पंखों से घेरे हुए हैं। होटल में 16 इन हाउस फ्लोरिस्ट हैं। हॉलैंड, केनिया, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड से लाए गए फूलों का उपयोग करते हुए 6 फूलों की टीम को लॉबी में फूलों की व्यवस्था बनाने के लिए लगभग 8 घंटे लगते हैं। फूलों की टीम का उद्देश्य हमेशा अपने सूट में फूलों के प्रदर्शन में मेहमान के सबसे पसंदीदा फूलों को शामिल करना होता है जिससे उनके वेलकम को जितना हो सके उतना शानदार बनाया जा सके। होटल के रेस्टोरेंट और कमरों की खास बातें। इस होटल में 202 कमरे हैं। छोटे कमरों का साइज लगभग 1820 स्क्वायर फीट है।
वहीं बड़े कमरों का आकार लगभग 8400 वर्ग स्क्वायर फीट है। कमरों की दीवारें सफेद हैं, बाथरूम में महंगी टाइल्स लगी हैं। इस होटल के रेस्टोरेंट बहुत खास हैं, जो कि जमीन से करीब 660 फीट ऊंचे हैं। जमीन से लगभग 650 फीट ऊंचे इस रेस्टोरेंट का नाम अल मुंतहा है। यहाँ से दुबई के नज़ारे देखे जा सकते हैं। यहाँ अल मेहरा नाम का एक और रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में आपको सबमरीन जैसा एहसास होता है। यहाँ आप समुद्र के अंदर का नज़ारा देखते हुए खाने का आनंद ले सकते हैं। इस होटल के ठीक ऊपर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थी बुर्ज अल अरब के अंदर की कुछ झलकियाँ। आम आदमी के लिए तो यहाँ रात बिताना एक सपने जैसा ही है। खैर, जो भी हो, बुर्ज अल अरब अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। आखिर दुबई की शान को खास तो होना ही चाहिए ना। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने आलीशान होटल को बनाया कैसे गया होगा? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल है। दोस्तों, इस 7-स्टार को पानी के ऊपर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुबई में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां समुद्र में गहराई का पता लगाना इतना मुश्किल हो जाता है, आखिर वहां कैसे इंजीनियर्स ने 56 मंजिला ऊंची बिल्डिंग तैयार कर ली? साल था 1994, जब दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई। उन्हें एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जिससे समुद्र के ऊपर एक बड़ी इमारत बन सके, और वो इमारत एक बोट के आकार की बननी थी। इंजीनियर्स ने कई मशक्कतों के बाद पत्थरों की मदद से समुद्र के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया। लेकिन समुद्री लहरों के सामने ये आर्टिफिशियल आइलैंड की मजबूती नहीं टिक पाई। एक बड़ी सी समुद्र की लहर ने आइलैंड को तहस नहस कर दिया। ये वो वक्त था जब इंजीनियर्स को पता चल गया कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि जिस समुद्र में ये आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं टिक पाया, वहाँ इतनी ऊंची इमारत कैसे टिक पाएगी? लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दुबई के रूलर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे कि दुबई में किसी भी हाल में एक ऐसा होटल बने जो दुनिया में कहीं पर भी ना बना हो। तो इंजीनियर्स ने आखिर में ये डिसाइड किया कि वो समुद्र के चारों तरफ हॉलो कॉन्क्रीट स्लैब्स को लगाया जाएगा। इससे ये होगा कि जब भी समुद्र की लहरें इससे टकराएंगी, तब उस समुद्र का पानी इस स्लैब के अंदर गोल गोल घूमकर दूसरी तरफ चला जाएगा, जिससे लहरों की ताकत बहुत कम हो जाएगी। इंजीनियर्स का ये तरीका काम आ गया और बुर्ज अल अरब बनकर तैयार होने ही वाला था कि एक और समस्या आकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से होटल को बनाने के काम में फिर से रुकावट आ गई। दरअसल समस्या ये थी कि 321 मीटर ऊंचे बुर्ज अल अरब को कैसे भूकंप से रोका जाए। एक तो इस बिल्डिंग को मैन मेड आइलैंड के ऊपर बनाया गया था, ऐसे में इसे अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनाना और भी ज्यादा जरूरी था। ऐसे में जब इंजीनियर्स को कुछ नहीं सूझ रहा था, तब एक्सपर्ट्स के कई ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल्डिंग में कुछ इस तरह से डायगोनल स्टील स्ट्रस को फिट करना होगा। इसके बाद एक और समस्या आकर खड़ी हो गई कि इतने बड़े स्टील स्ट्रस को ऊपर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि तब दुबई में इसको ऊपर ले जाने के लिए इतनी बड़ी क्रेन मौजूद नहीं थी। इस काम को सफल करने के लिए सिंगापुर से क्रेन मंगाई गई। लेकिन इंजीनियर्स की चुनौती यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब दुबई के रूलर चाहते थे कि बिल्डिंग में कुछ इस तरह का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बने। इंजीनियर्स ने इस काम को करने के लिए बिल्डिंग के टॉप पर मोटी और लंबी बीम्स डाली, फिर उस पर एक लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और फिर उसके बाद एक ग्लास का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया दुनिया का 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब। दोस्तों, इस आलीशान बिल्डिंग के बारे में जानने के बाद क्या आप इसमें जाना पसंद करेंगे? यह भी आपकी पहली पसंद बुर्ज खलीफा ही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल जाएं।